तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, और थंबनेल में साफ साफ लिखा है कि देयर जो है वो फेक है, बिल्कुल 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 फेक है। कैसे फेक है आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, और देयर का यूज हम कहां पे करते हैं वो भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो देयर आज हम सीखने वाले, देयर दो तरह का होता है। एक होता है टी एच ई आर ई, देयर, देयर का मतलब होता है वहां। एक देयर होता है टी एच ई आई आर, देयर। ठीक है, इस देयर का मतलब होता है उसका। ठीक है, और इस देयर का मतलब होता है वहां। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं वहां वाले देयर के बारे में। ठीक है, चलिए, फेक देयर, जो मैंने बोला कि देयर बिल्कुल फेक है, कैसे फेक है, चलिए हम जब सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में हमने बताया था सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या फिर जो काम को कर रहा होता है। ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो देयर कैसे फेक है, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक रियल, ठीक है, एंड दूसरा फेक, राइट। रियल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, इस तरह का जो कुछ भी था, वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो थे वो रियल थे। कैसे, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका पता चल रहा है कि मैं, तुम, वे लोग, वह लड़का, वह लड़की, ठीक है, उसे पता चल रहा है, तो ये रियल है। ठीक है, वैसे सेंटेंस जिनके अंदर सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता, ठीक है, तो उस जगह पे हम एक फेक वर्ड का यूज करते हैं, वो होता है देयर। ठीक है, इसलिए ये जो देयर है ये फेक सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यूज ऑफ देयर पे। यूज ऑफ देयर, देयर का यूज कहां करते हैं। ठीक है, देयर मीन्स वहां, एक और वर्ड होता है हेयर, हेयर मीन्स यहां। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल, ही इज देयर, ये वहां है, आई एम हेयर, मैं यहां हूं, वह वहां है, मैं यहां हूं, हु इज देयर एंड आई एम हेयर। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट यहां पे हमने देयर को यूज किया, तो एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया। ठीक है, तो यहां पे ये वाला देयर हम लोग पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं, इस पे ज्यादा जोर नहीं डालना, ये लास्ट में आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, बोथ हैव सब्जेक्ट्स बट द सेंटेंस विच हैव नो सब्जेक्ट्स देयर वी यूज देयर। ठीक है, यहां देखिए, इन दोनों में क्या है, आई है और यहां पे ही है, दोनों में क्या है, सब्जेक्ट्स है। ठीक है, और यहाँ पे देयर एंड हेयर का यूज किया गया है। जैसे मैं बोला मैं वहां हूं, ठीक है, ही वह वहां है, ही इज देयर, ठीक है, वह वहां है, ही इज देयर, यहाँ पे हम इशारा कर रहे हैं, हम बता रहे कि वह वहां है, वहां मतलब इशारा कर रहे, पता चल रहा है किसकी बात कर रहे हैं, तो हेयर देयर का मीनिंग यहाँ पे वहां आ गया। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे वहां इशारा नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक घर है, ठीक है, एक घर है, थोड़ा पानी है, ठीक है, मार्कर है, बोर्ड है, ठीक है, तो इन सब में हम इशारा नहीं कर रहे हैं, बोलकर इशारा नहीं कर रहे हैं वहां। ठीक है, तो वैसे सेंटेंसेस के अंदर जिसमें हम इशारा नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट का रोल नहीं पता होता है, वहां पे हम लोग देयर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझिए, बोथ हैव सब्जेक्ट्स, दोनों में सब्जेक्ट्स है, बट द सेंटेंस विच हैज नो सब्जेक्ट देयर वी यूज देयर। वैसे सेंटेंसेस जिसके अंदर सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं उसमें हम लोग देयर का यूज करते हैं। नाउ समटाइम्स वी सी दैट इट कम्स इन द लास्ट, इन द स्टार्टिंग और इन द बिटवीन एंड इन द लास्ट पोजीशन। ठीक है, अब देयर जो है कभी कभी शुरू में आ जाता है, कभी बीच में टपक जाता है, कभी कभी लास्ट में आता है। ठीक है, तो हम लोग तीनों जगह को देखेंगे कि शुरू में आता है तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, बीच में आता है वहां पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में आएगा तो वहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वाला तो ऑलमोस्ट लगभग समझ में आ चुका है कि ही इज देयर मतलब वह वहां है, तो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो लास्ट वाला वो समझ में आ गया। अब हमको समझ जाए कि शुरू में हम कैसे लगाते हैं और बीच में कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है बट इट ऑलवेज कम्स विथ एन इंटेंशन ऑफ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ एनीथिंग बिग। चलिए ये समझिए, यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा कि ये जब भी आएगा, बीच में आए या शुरू में आए, तो एक इंटेंशन के साथ आएगा। कौन सा इंटेंशन, ये एक इंटेंशन के साथ आता है डायरेक्शन को दिखाने के लिए, किसी बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज है या फिर कोई बड़ा जगह है, उस जगह के अंदर की अगर कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें हम सब्जेक्ट का यूज नहीं किए तब देयर आता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्रिज है, ठीक है, एक फ्रिज है, उसके बारे में अगर बात करें तो हम बोले अगर फ्रिज में पानी है, देयर इज वाटर इन द फ्रिज, ठीक है, फ्रिज में दाल है, देयर इज पल्स इन द फ्रिज, ठीक है, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स है, देयर इज कोल्ड ड्रिंक इन द फ्रिज। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, फ्रिज था, उसके अंदर कोई चीज थी और उसके तरफ हम इशारा कर रहे थे, ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट नहीं था, तो वहां पे हम लोग देयर का यूज किए। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, देयर इज अ बकेट एंड वाटर इज इन द बकेट। ठीक है, अच्छा इसको अब लेते हैं, एक बाल्टी है, एक बाल्टी का इंग्लिश क्या होगा, ए
बकेट, एक बाल्टी, ए बकेट, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सॉरी है के लिए क्या यूज करेंगे, इज, ठीक है। ए बकेट इज कहाँ है, नहीं पता, सब्जेक्ट का नहीं पता, ऑब्जेक्ट का नहीं पता, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे हमने लगा दिया देयर इन द लास्ट, ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट वाला यूज। चलिए अब एक बाल्टी है, कहाँ है, यहाँ पे ए भी इशारा नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देयर सब्जेक्ट की जगह पे इज ए बकेट, इस तरह से भी यहां पर लिख सकते हैं। तो अब बकेट इज देयर, एक बाल्टी है, देयर इज अ बकेट, एक बाल्टी है, दोनों का मीनिंग सेम। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया, यहां पे हमने सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने जो पहला वाला सेंटेंस लिखा, अ बकेट इज देयर, एक बाल्टी है, अगर हम इसमें एक जगह का नाम बता दें, जैसे एक बाल्टी है मेरे घर में, ठीक है, एक बाल्टी है मेरे घर में, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अ बकेट इज देयर, एक बाल्टी है, हो गया, कहां है, तो मेरे घर में, इन माई होम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, अ बकेट इज देयर इन माई होम, ये बीच में आ गया, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है प्रीपोजिशंस बाद में आते हैं और ऑब्जेक्ट्स बाद में आते हैं, तो वहां पे जो देयर हो जाता है वो बीच में आ जाता है, ठीक है। अ बकेट इज देयर इन माई होम, ठीक है। तो ये था आपका देयर का यूज, कि हम शुरू में यूज करते हैं, फिर बीच में यूज करते हैं, फिर लास्ट में यूज करते हैं, और इस सेंटेंस में यूज करते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं। और देयर फेक क्यों होता है, क्योंकि वो फेक सब्जेक्ट है, क्योंकि वो रियल नहीं है। जिस सेंटेंस के अंदर समझ नहीं आया कि कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं, या कौन काम को कर रहा है, या फिर किस चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, किस पर्सनैलिटी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जब सर खुजलाने लगे तो उस टाइम क्या करिए, आप डायरेक्ट देयर को घुसा दीजिए, ठीक है। और वहां पर देयर घुसा करके सेंटेंस को सजा दीजिए, ठीक है। सेंटेंस सजाने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर हमने बताया कि देयर इज अ बकेट, एक बाल्टी है, अगर हमको बोलना हो एक बाल्टी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नॉट अ बकेट, देयर इज नॉट अ बकेट। उसी तरह हम बोले यहां पे मेरे घर में छत है, मेरे घर में छत है, देयर इज रूफ इन माई हाउस, ठीक है, मेरे घर में छत है। इसे हम बोले मेरे घर में छत नहीं है, देयर इज नो रूफ इन माई हाउस, छत पर धूप है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, देयर इज सनलाइट इन माई, छत पर धूप है, देयर इज सनलाइट ऑन द रूफ, ठीक है। अगर हमको बोलना छत पर धूप नहीं है तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो सनलाइट ऑन द रूफ, ठीक है। अब ये था आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, यस एंड नो का क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है सेंटेंस हिंदी में, छत पर धूप है, इसे हम पूछना क्या छत पर धूप है, इज देयर सनलाइट ऑन द रूफ, क्या छत पर धूप है। तो क्या करेंगे, इज को पहले लेते आएंगे और देयर को बाद में ले जाएंगे, जो हम सब्जेक्ट्स और हेल्पिंग वर्ब के साथ करते थे। तो यहाँ भी देयर क्या है, फेक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते आएंगे। तो क्या कर देंगे, क्या छत पर धूप है, इज देयर सनलाइट ऑन द रूफ, ठीक है। क्या वहां तुम्हारे घर कोई कलम है, इज देयर एनी पेन इन योर होम, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव, और इंट्रोनेगेटिव नकारात्मक वाला जो सवाल करते हैं, क्या तुम्हारे घर पर धूप नहीं है, इज देयर नो सनलाइट एट योर होम, ठीक है। क्या तुम्हारे घर पर खाना नहीं है, इज देयर नो फूड इन योर होम, ठीक है। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव भी देयर का बनाएंगे। चलिए तो ये था आपका आज का लेसन, यूज ऑफ देयर, कहां पे कैसे यूज करते हैं देयर को। और अब हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट लेसन के अंदर हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें हम लोग बीइंग ऑफ स्टेट का एंड यूज ऑफ पॉजेसिव का एंड यूज ऑफ देयर, तीनों का कॉम्बिनेशन एक वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर तीनों वीडियोस का हम लोग कैसे सेंटेंस बनाते हैं, तीनों अलग अलग सेंटेंस पे कैसे उसका पैटर्न फॉर्म करते हैं, किसी चीज के तरफ इशारा करते हुए, किसी चीज की होने की स्थिति बताते हुए, किसी चीज पे अपना हक जमाते हुए कैसे उसको इंग्लिश में यूज करेंगे, उसका हम लोग एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाले हैं और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कनेक्ट रहिए हमारे चैनल के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, एंड पूरा का पूरा वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और साथ में सीखते रहिए। थैंक यू गाइज़।